कांग्रेस के मनमोहन सरकार के समय वाणिज्य मंत्री रहे कमलनाथ ने चीन के साथ डील करके कई वस्तुओं पर आयात शुल्क हटाया, जिसके बदले में चीन ने राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन दिया। गांधी परिवार को तो फायदा हुआ ही, लेकिन देश के छोटे छोटे उद्योगों को जुड़े लोगों का रोजगार छिन गया था। देश के साथ की गई इस गद्दारी के विरोध में आज भाजपा मंडल बनखेड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुतले का दहन एक निजी शोरूम के पास किया गया, जिसमें मंडल प्रभारी रंजीत यादव, मुकेश सराठे, रमेश पटेल, हेमराज मुख्तियार सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। बनखेड़ी से जगदीश गढ़वाल की रिपोर्ट। यूपी की सरकार तब चीन के साथ और कमलनाथ वाणिज्य मंत्री थे, उस समय इन्होंने चीन को जो चीजें आयात हो रही थी हिंदुस्तान में, उन पर जो छोटी छोटी जो उद्योग थे, जैसे दोना पत्तल, महिलाओं के श्रृंगार का सामग्री, खिलौना, आपके जो बल्ब सीरीज वगैरह, इन पर 50% से लेकर 200% की छूट दी गई और कहा यह गया कि हिंदुस्तान में इससे फायदा भी होगा। लेकिन राजीव गांधी जो फाउंडेशन था उसमें इसी बीच में इसके पहले चीन द्वारा चीन की एम्बेसी ने पैसे जमा किए 90 लाख, चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी उसने पैसा दिया, इस तरह 30,000 करोड़ रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन में जमा किया गया और उसको एक काम सौंपा गया कि आप चीन में जाके सर्वे करें और हिंदुस्तान में सर्वे करें कि चीन के द्वारा जो आज की सामग्री है उससे देशों को कितना फायदा नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि सब कुछ बताया भी, लेकिन दो बार इस फाउंडेशन को, इस मिशन को, जिसमें चीन की सरकार ने, चीन की एम्बेसी ने लगातार जो 1,000 करोड़ रुपए का चंदा दिया, उसके बदले में कमलनाथ वाणिज्य मंत्री थे उस समय, इन्होंने इस देश को गिरवी रख दिया। इस देश को यहाँ पर रोजगार जो था, छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, सारे के सारे चीन को 50% से लेकर 200% की छूट दी, जिसकी वजह है क्या चीनी सामग्री हर घर में देखी जा रही है और हिंदुस्तान के जो छोटे कुटीर उद्योग थे वो सारे के सारे समाप्त हो गए। ऐसी इसकी हम निंदा करते हुए कमलनाथ की आज जो वाणिज्य मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके पूर्व के, उनका पूरा देश पुतला जला रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।